फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ टेस्टी सा मज़ेदार सा चिकन की रेसिपी, जो बहुत आसान है बनाना। इसकी ग्रेवी देखिए कितनी टेस्टी लग रही है दिखने में, कितनी ज़्यादा ये टेस्टी है खाने में भी। बहुत टेम्पटिंग चिकन बनाता है ये वाला। सो ये वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर इसके लिए मैंने करूंगी। लिया है 1.5 kg चिकन। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है। इसमें मैं डालूंगी 5 अनियन, और इसमें मैं बाकी अनियन को काट के डालूंगी। एक अनियन को ग्राइंड कर लूंगी अदरक लहसुन के साथ में। और ये देखिए मैंने 3 यहाँ पे लहसुन लिए हैं और 2 अदरक के टुकड़े। तो एक बड़ी सी कढ़ाई लेंगे जिसमें हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, सरसों का तेल का इस्तेमाल करें आप, चिकन में ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। तो हम यहाँ पे जो मैंने अनियन था, इसमें 4 अनियन तो मैंने काट लिया है पतला पतला स्लाइस, और 1 अनियन मैंने इसमें अदरक और लहसुन के साथ में मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी, जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अब मैं कढ़ाई में जो भी मैंने प्याज काटा था वो मैं डाल रही हूँ। इसको हमें ब्राउन करने तक इसे पकाना है, प्याज को भूनना है, फ्राई करना है अच्छी तरह से। और हमें ज़्यादा ब्राउन भी प्याज यहाँ पे नहीं चाहिए, आधा कच्चा होना चाहिए और आधा ब्राउन होना चाहिए। उस हिसाब से हम इसे ब्राउन करने छोड़ देंगे। देख सकते हैं मैंने अनियन को हल्का हल्का ब्राउन कर लिया है। देन हम इसमें ऐड करेंगे चिकन जो हमने वॉश करके रखा था, और 2-3 तेज पत्ता डाल देंगे और सॉल्ट डाल देंगे, जो जिससे अच्छी तरह से ये सॉल्ट इसके अंदर चला जाए और फ्लेवरफुल हो जाए, यहाँ पे प्याज का भी फ्लेवर आए, अच्छी तरह से भुन जाए। तो हम इसमें अभी डाल रहे हैं 1/2 मैंने लेमन लिया है, और 3-4 मैंने चिली डाली है, ग्रीन चिली। ऐसे ही डाल देंगे, इसको कट नहीं करेंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें से यहाँ पे अब पानी छूटेगा, उसी पानी में इसे कुक करेंगे। पानी खुश्क होने तक इसे अच्छी तरह से भूनेंगे कढ़ाई तो में। हम अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेंगे, इसका कलर डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे भून के छोड़ देंगे। दूसरे बर्तन में अब हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल डालेंगे। अगेन इसमें काली मिर्च, लौंग, सफेद इलायची, जीरा, बड़ी इलायची और तेज पत्ता, इसको हम अब ऑयल में डालेंगे तेल अच्छा गर्म होने के बाद। और ये जो हमने पेस्ट बनाया है, जो मैंने बताया था प्याज और अदरक लहसुन, उसका ही पेस्ट, सेम वही वाला पेस्ट यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, वो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जावित्री और जायफल का पाउडर, और गरम मसाला और नमक। ये वाली चीज को हम ये सारे मसाले इसमें अभी डाल देंगे। फिर इस मसाले की हम करेंगे अच्छी तरह से भुनाई। इस मसाले को हम बहुत देर तक भूनेंगे, जब तक इसका तेल और ये मसाला अलग अलग सेपरेट नहीं हो तो जाता। हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे भुनने के लिए। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा भुनने में, पर अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। अब देख सकते हैं आप इसका कलर देख के, कितना अच्छे से मसाला यहाँ पे भुन गया है, इसका ऑयल अलग हो गया है मसाले से। सो यहाँ पे कलर देख के पता चल रहा है कि मसाला भुन चुका है। और जो भी हमने अभी चिकन को फ्राई किया था दूसरी कढ़ाई में, अब इसी में डाल देंगे, इसी मसाले के साथ इसे साथ में पकाएंगे। तो मैं ये सारा जो चिकन मैंने भुना था, फ्राई किया था, ये इसका जो मसाला है प्याज वाला, वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। करछली को चलाते हुए अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। एक एक पीस में अच्छे से मसाला कोट हो जाना चाहिए। देन हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पर मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा ड्राई हो गया था। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे। काफी 5-7 मिनट तक ये पकेगा, तो अच्छे से ये और फ्लेवरफुल हो जाएगा। इसके जो चिकन है उसमें भी अच्छे से मसाला जाना चाहिए। तो ये पक रहा है यहाँ पे। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया डालें खूब सारा। नॉनवेज में खूब सारा धनिया बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लेवरफुल और फ्लेवर आता है, और कलर बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डाल के इसे अभी थोड़ी देर, 2-3 मिनट और पकाएंगे। तो हम इसका ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है, और ये कितना ज्यादा, इसका कलर देख सकते हैं आप। मैंने कोई भी अभी यहाँ पे रेड चिल्ली, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, कोई कलर नहीं डाला, तो भी इसका कलर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल आया है। अब हम इसको सर्व करते हैं। सो देखिए कितना ज्यादा मजेदार, एकदम इसकी ग्रेवी थिक, और ये चावल और रोटी दोनों के साथ बहुत बेहतरीन लगता है। ये बहुत टेम्पटिंग है, बहुत आसान रेसिपी है, तो जरूर ट्राई करिए।